जो पहले से चल रहा है मतलब कंटिन्यू हो रहा है और राइट वी लर्न मतलब कैसे स्टार्ट हुआ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग कैसे स्टार्ट हुआ ठीक है इट्स कॉल्ड ट्रेडिशन वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर में हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा कि वेस्टर्न कंट्री में हिस्ट्री लिखना कैसे स्टार्ट हुआ ठीक है अबाउट द न्यू टेक्स्ट बुक ये मेरी न्यू टेक्स्ट बुक है ठीक है द ओल्ड वन वॉज जो बोरो की थी बहुत गंदी थी ठीक है अच्छा तो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था उसमें हमने देखा वेस्टर्न कंट्रीज में हिस्टोरियोग्राफी के बारे मतलब हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ लिखना नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आ कंट्री इंडिया हमारे देश के बारे में बात चल रही हमारे देश में हिस्ट्री का ट्रेडिशन कैसे स्टार्ट हुआ ठीक है वी आर फ्रॉम ईस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में यूरोप है अमेरिका है एक्सेट्रा ऑल दोज कंट्रीज लास्ट फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आखिर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में इट्स अवेलेबल मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ यू विल गोइंग टू गेट इट ठीक है और वो थोड़ा छोटा चैप्टर था तो एक ही वीडियो में मैंने कंपाइल किया है इसमें मे बी लेंदी चैप्टर हो सकता है दो पार्ट में करना पड़े बिकॉज द चैप्टर इज़ वेरी लेंदी ठीक है तो फर्स्ट चैप्टर का किसी ने वीडियो नहीं देखा है गो टू माई चैनल्स प्ले लिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल प्ले लिस्ट में जाओ यू विल इजली फाइंड इट और राइट

ऑल्सो मेमरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशन वेजर्व विदेल्प ऑफ रिसाइटल देखो पुराने जमाने में जो माइथोलॉजिकल लोर थी माइथोलॉजिकल मतलब जो कथाएं 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 मतलब जैसे रामायण की कथा महाभारत की कथा ठीक है लोर मतलब स्टोरीज लोअर मीन स्टोरीज माइथोलॉजिकल मतलब मान्यता वाली जिसपे लोग भरोसा करते हैं बिलीव करते हैं ठीक है माइथोलॉजिकल तुम धार्मिक भी ले सकते हो धार्मिक कथा है धार्मिक कहानियां ठीक है और मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशन और जो यादें हैं ठीक है सोसाइटी के सोसाइटी में परिवर्तन और सोसाइटी में जो भी चेंजेस आया उसके हिसाब से ये सारी प्रिजर्व मतलब जमाती वो टाइम पे हिस्ट्री कोई लिखता नहीं था ये ओरल रिसाइटल पे था ओरल रिसाइटल मतलब एक दूसरे को जो जनरेशन टू जनरेशन कहानियां चलती है जो दादी ने जो दादा दादी ने अपने बच्चों को सिखाई और उसके बच्चों ने उनके बच्चों को सुनाई ठीक है तो ओरल यानी जबान से एक दूसरे को बोलते गए और वो कहानियां वो माइथोलॉजिकल लोर और वो ओल्ड मेमोरी ट्रांसफर होते हुए आगे आई तो ओरल रिसाइटल मतलब ओरल मतलब मुंह से रिसाइटल मतलब कोई रिटर्न वर्क नहीं था ओरली एक दूसरे को अपने पूर्वजों की कहानी सुनाते थे और वो कहानी वो लोग याद रखते थे और वो प्रिजर्व रहती थी ठीक है इसके अलावा द इंस्क्रिप्शन ऑन दरपन सील इसके अलावा जो हरप्पन सिविलाइजेशन पाया गया इंडिया में उस पर जो इंस्क्रिप्शन था इंस्क्रिप्शन मतलब गुताई गुताई देखो यहां पर एक कॉपर प्लेट पे गुताई की हुई है गुताई मतलब नक्शी बनाना पहले चीनी हथौड़ी से ऐसा डिजाइन बनाया जाता था स्टोन्स पर कॉपर प्लेट पर ये कॉपर प्लेट पर किया हुआ है तो इसको ये वर्क को कहते हैं गुताई इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शन ऑल राइट इंस्क्रिप्शन मतलब एक हिंदी वर्ड में बोलेंगे तो उसको छाप देना ठीक है उसपे छाप लगाना मतलब चीनी हथौड़ी तो यू मे बी नोइंग हैमर और चिस्ल उससे फटका मार मार के मतलब उससे मार, मार कर वहां पे नक्शी डिजाइन बनाना कार्विंग करना ऑल राइट right? तो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ ऑन दी हरप्पन सील हरप्पन सील पे जो लिखा हुआ था अदर आर्ट फैक्ट और दूसरे जो भी कलाकारी के काम थे दूसरे जो भी पूर्वजों ने जो करके गए थे कंफर्म दैट इंडिया द आर्ट ऑफ राइटिंग अर्लीस्ट थर्ड मिलीनियम बीसी सी हरप्पन इंस्क्रिप्शन से और दूसरी जो कलाकारी के चीजें मिली है जमीन के अंदर से इससे पता चलता है कि इंडियन लोगों ने लिखने की कला इंडियन लोगों ने लिखने की कला कब सीखी थर्ड मिलीनियम बी.सी में यानी तीसरी सदी में थर्ड सेंचुरी में ही इंडियन लोगों को लिखने आता था ठीक है देखो मैंने इंस्क्रिप्शन का एक एग्जाम्पल दिया दिस इज एन इंस्क्रिप्शन ऑल राइट नेक्स्ट तो थर्ड मिलीनियम बी.सी से ही इंडियन लोगों ने आर्ट ऑफ राइटिंग सीख लिया था यह हमें हरप्पन सील से पता चलता है ठीक है हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट ये सक्सेसफुली डेसीफर्ड और हरप्पन स्क्रिप्ट हरप्पन जो लिखते थे वो अभी तक क्लियरली समझा नहीं गया है क्योंकि उनकी राइटिंग उनका जो लैंग्वेज था वो अलग था हरप्पन लोग तुमने वो मूवी तो आई है मोहन जुद्दार और हरप्पा तो उसमें भी बहुत सारे मतलब उसमें वो बताया कि हाउ दे कि हरप्पन लोग कैसे सिविलाइज थे और कैसे वो लोग जीते थे मतलब उनका दिनचर्या क्या था जिंदगी कैसे उनकी गुजरती थी एक्सेट्रा हावे बता हरप्पन स्क्रिप्ट हरप्पन स्क्रिप्ट को अब तक अच्छे से समझा नहीं डेसीपर्ड मतलब समझा नहीं गया नॉट येट नहीं सक्सेसफुली अच्छी तरह से डेसीपर्ड अंडरस्टूड ऑल राइट हार्डवर्ड का मैंने मीनिंग्स लिखा है और मैंने आंसर्स भी लिखे हैं ठीक है आंसर्स भी जहां आएंगे तो मैं मार्क करता जाऊंगा देखो चैप्टर बहुत लेन दिए थोड़ा फास्ट एक्सप्लेनेशन करूंगा द रीजन इज मुझे वीडियो का, पूरे चैप्टर मतलब टाइम पे कंप्लीट करना है तो जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है जैसे या इस ये कोई आंसर से रिलेटेड नहीं है अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो किसी आंसर से रिलेटेड नहीं है इसके लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी से इंस्क्रिप्शन बिगेन्स टू ऑकर ऑन कॉइन मेटल इमेजेस एंड स्कल्पचर फर्स्ट सेंचुरी से ही ठीक है इंस्क्रिप्शन नजर आने लगे कॉइंस पर ठीक है जो पुराने कॉइन्स मिले मेटल इमेजेस जो कॉपर सिल्वर गोल्ड पे इंस्क्रिप्शन दिखने लगे स्कल्पचर्स ठीक है स्टैचू वगैरह पे इंस्क्रिप्शन दिखने लगे एंड ऑल्सो ऑन कॉपर प्लेट यहाँ तक के कॉपर प्लेट कॉपर प्लेट मेटल इमेज ही है दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इससे क्या मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स हमें उसके वो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कौन सा राजा ना कब रूल किया कौन सा डायनेस्टिक यानी रूलर था मतलब कौन सा राजा कौन से रूलर की जनरेशन से है जीनियोलॉजी मतलब देखो पहले क्या होता था राजा का बेटा राजा बनता था राजा का बेटा अगला राजा जो राजा का बेटा रहता था प्रिंस राजकुमार तो राजकुमार अगला राजा बनेगा तो यह है उनकी जीनेलॉजी जीनियोलॉजी मतलब एक राजा फिर अपने बेटे को राजा बनाएगा उसका बेटा राजा बनेगा उसका बेटा राजा बनेगा तो ये सारी चीज है कौन सा राजा किसके बाद मतलब उनका पूरा खानदान डायनेस्टिक मतलब राजाओं का पूरा खानदान इससे ओपन होता है ठीक है ये इंस्क्रिप्शन से क्लियर होता है टेरिटोरियल एक्सटेंड और किसका राज्य कहां तक था कौन से राजा का साम्राज्य कहां तक था कितना फैला हुआ था उसके बारे में पता चलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ और उन्होंने कैसे राज किया एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लॉ कानून उनका कानून कैसे चलता था एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनके जो कानून थे उनके राज्य में उनका कानून कैसा था ठीक है एम्पायर एंड किंगडम ठीक है उनके एम्पायर या साम्राज्य में उनका कानून कैसे काम करता था वो लोग कैसे कानून अपना चलाते थे एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट और ये सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती है हमें इंस्क्रिप्शन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट राजा के बारे में उसकी जीनोलॉजी के बारे में मतलब उनके जो जनरेशन के बारे में और उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था उसमें कैसा कानून एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ठीक है ये सारी चीजें हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती है फिर उनके इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे वो टाइम पे एंशेंट टाइम पे पुराने जमाने में जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे ये सब इंस्क्रिप्शन से पता चलता है उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो लोग मिलके कैसा काम करते थे सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रजा की भलाई के लिए जो भी काम किए जाते थे वो कैसे होते थे वो टाइम पे क्लाइमेट क्या था फमाइंस था फमाइंस मतलब बारिश रुक जाना भूख मरी बढ़ना बारिश नहीं होना उसको बोलते फमाइन बारिश नहीं होना सब जगह सूखा पड़ना सूखा पड़ना यानी बारिश का नहीं गिनना उसको बोलते फमाइन तो ये सारी चीजें वो टाइम पे पुराने हिस्ट्री में ये सब जो भी हुआ ये सब कैसे मिलता है हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है ठीक है अभी देखो यहां पर एक ये भी इंपॉर्टेंट आंसर में नहीं है ये तो भी इंपॉर्टेंट पढ़ना तो सब है तो ये एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है कि ये इंस्क्रिप्शन ठीक है कहाँ का ये इंस्क्रिप्शन है सोहा गोरा कॉपर प्लेट सोहा गोरा का कॉपर प्लेट ये इंस्क्रिप्शन पाया गया है ठीक है जैसे एग्जावेट करते हैं जमीन में खुदाई करते हैं आर्कोलॉजिस्ट लोग तो ऐसी सारी पुरानी चीजें मिलती है तो ये इंस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो कुछ कुछ लिखा हुआ ऐसा लग रहा है हमें भाषा नहीं आती अब तक ये समझी नहीं गई है और यहाँ पे देखो कुछ ऐसा बत, कुछ चार पिलर दिख रहे हैं और कुछ डोम टाइप दिख रहा है चार पिलर डोम टाइप और यहाँ पे देखो कुछ ट्री जैसा ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे कुछ देखो ऐसा कुछ जैसे मंदिर या मस्जिद जैसा बना हुआ है ठीक है तो बस ये सब समझा जा सकता है ऑल राइट right, तो देखते क्या लिखा है द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागुरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश कहां पाया गया ये कॉपर प्लेट गोरखपुर में गोरखपुर कहां है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश इट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मयूरा पीरियड ये कहा कभी का है मयूरा पीरियड का सपोज कर किया गया है मतलब ये माना गया है कि ये मयूरा पीरियड का है द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और इसमें जो लैंग्वेज लिखी है कौन सी कौन सी लैंग्वेज है ब्राह्मी ब्राह्मी स्क्रिप्ट द सिंबल नोन एज ट्री इन रेलिंग एंड माउंटेन एट द बिगनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ठीक है ट्री देखो इसमें कुछ पेड़ है पेड़ और माउंटन्स है यहां पे भी एक ट्री दिख रहा है मुझे यहां पे ट्री है और कुछ माउंटन्स का इंस्क्रिप्शन है माउंटेन्स मतलब पहाड़ चट्टान एट द बिगनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो ऑकर ऑन दंच मार्क कॉइन और ये जो इंस्क्रिप्शन है ना माउंटेन और ट्री का ये कुछ कॉइन्स पे भी मिलाया गया है स्ट्रक्चर इरेक्ट ऑन फोर पिलर इज सपोज टू बी इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रेनरी और फिर बोल रहा है ये जो चार पिलर पे कुछ ऐसा बना है ना हाउस टाइप बोल रहा है ये ग्रेनरी है ये माना गया ऐसा समझा जा रहा है कि ये ग्रेनरी है चार पिलर पे कुछ ऐसा बना हुआ है देखो ग्रेनरी मतलब अनाज रखने की जगह गोडाउन हम लोग कैसा मॉडर्न जमाने में जो गोडाउन रहता है वैसा पुराने जमाने में ग्रेनरी लगाई जा, बनाई जाती थी यानी सूखे के वक्त अनाज को स्टोर कर लिया जाता था कई सालों के लिए ताकि सूखे के वक्त उसको यूज किया जा सके प्रजा के लिए तो उसको कहते हैं ग्रेनरी है। सूखा मतलब कहद बारिश नहीं गिरना ठीक है सो चार पिलर वाला कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ग्रेनरी है वो शायद ग्रेनरी बता रहा है ग्रेनरी मतलब अनाज रखने की जगह the inscription recorded a royal order that the grain stored in the granary should be distributed carefully और ये जो inscription है उसमें शायद ये लिखा है कि इसमें grain store किया गया है अनाज जमा करके रखा गया है और उसको बहुत संभाल कर बांटना है बहुत संभाल कर public को distribute करना है ठीक है It is supposed to be suggestive of precaution taken in the time of famine. और ये जो अनाज है ये famine के time पर precaution के लिए मतलब उसमें बताया गया है कि जब सूखा हो जाएगा जब सूखा सूखे का मौसम आएगा और लोगों के पास खाने नहीं रहेगा उसके लिए ये अनाज है तो ये ऐसा इंस्क्रिप्शन बनाया हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अनाज सूखे के मौसम में लोगों को संभाल के दिया जाएगा आई होप समझा कहाँ का ये और राइट नेक्स्ट नेक्स्ट the ancient indian literature including the epics ramayana and mahabharata purana jains and buddhist texts historical accounts by indian author and also travel logs by foreign travelers are देखो जो पुराने लिटरेचर है इंडिया के जो ओल्ड लिटरेचर है ठीक जिस है जिसमें रामायणा की एपिक्स है रामायणा सुना होगा अभी सीरियल भी चालू है महाभारत महाभारत के बारे में पुराना के बारे में है जैन और बुद्धिज्म टेक्स है ठीक है हिस्टोरिकल अकाउंट बाय इंडियन ऑथर जो इंडियन ऑथर ने लिखा है ये सब इंडियन ऑथर से भी लिखी गई है और ट्रेवल लोग ने भी लिखी है जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे जैसे वास्को डी गामा नाम सुना होगा अमेरिको वैसपूसी ऐसे फॉरेन ट्रेवलर्स और भी बहुत सारे आए थे तो उन लोगों ने इसके बारे में इसको लिखा है रामायण के बारे में महाभारत के बारे में पुराना के बारे में जैन और बुद्धिस्ट एक्स के बारे में सो so, ये सब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है जो रामायण की एपिक्स है एपिक्स मतलब कहानी ठीक है और जो महाभारत की महाभारत है जो जैन बुद्धिस्ट एक्सेट्रा वो जितनी भी जितने भी सोर्सेज मिल रहे हैं जितने भी इंडियन और इंडियन हिस्टोरियंस ने भी उसको लिया है और ट्रैवल लोग से जो फॉरनर ट्रैवलर्स आए थे उन लोग ने भी उसको इंपॉर्टेंट सोर्सेज माना है हिस्ट्री का ठीक है राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्टोरीज मेक एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरोग्राफी फिर बायोग्राफी लिखना बायोग्राफी मतलब किसी राजा की किसी भी इंसान की लाइफ पूरी लिखना उसको बोलते हैं बायोग्राफी किसी भी इंसान की जो गुजरी हुई जिंदगी के बारे में जो जो स्टोरी लिखना रिटर्न उसको बोलते हैं बायोग्राफी ठीक है बायो तो राइटिंग ऑफ बायोग्राफी और अखिर उसने खुद ही लिखी है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं अखर किसी ने अपने बारे में अपनी लाइफ के बारे में पूरी हिस्ट्री लिख दी कि मैंने ये किया ये किया तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी तो राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग राजाओं के बारे में बायोग्राफी लिखना एंड डायनास्टिक एंड डायनेस्टिक हिस्ट्री मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी ये इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में एक अहम कदम है ठीक है राजाओं की रूल के बारे में लिखना राजाओं के ठीक है राजाओं के जो डायनेस्टिक मतलब रूलर हिस्ट्रीज लिखना वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी हर्ष चरित्र रिटर्न इन सेवन सेंचुरी सी बाय बना भाटा इज द किंग हर्षा बायोग्राफी देखो सेवेंथ सेंचुरी में किसने लिखा है हर्ष चरित्र नाम की एक ऑटोबायोग्राफी हर्ष चरित्र नाम की एक बायोग्राफी लिखी गई थी ठीक है किसने लिखा वो बाना भाटा ने और वो किसके ऊपर है हर्ष किंग हर्षा के बारे में ठीक है इट पोर्ट्रेट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम और इसमें क्या बताया जा रहा है इट पोर्ट्रेट्स पोर्ट्रेट्स मतलब शो इट पोर्ट्रेट्स पोर्ट्रेट्स मतलब बता रहा है शो क्या शो कर रहा है रियल पिक्चर जो बायोग्राफी लिखी थी बना भाटा ने किंग हर्षा पे वो रियल पिक्चर बता रहा है वो टाइम पी वो राजा के जमाने का किंग के टाइम का सोशल यानी सोसाइटी इकोनॉमिक यानी लेन देन खरीद बेचना वो सब इकोनॉमिक ठीक है पॉलिटिकल शासन सियासत रिलीजियस धार्मिक कल्चर सांस्कृतिक ये सबका रियल पिक्चर है कल्चर सांस्कृतिक रिलीजियस धार्मिक पॉलिटिकल शासन इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड सोशल सोसाइटी से रिलेटेड ये वो राजा का किंग हर्षा का रियलिस्टिक पिक्चर बता रहा है शो कर रहा है पोर्ट्रेस और राइट नेक्स्ट हिस्ट्रोग्राफी इन द मिडाइवल पीरियड द स्टाइल ऑफ राइटिंग राजतंत्री द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन द्वेल्थ सेंचुरी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ठीक है अब कश्मीर की जो हिस्ट्री लिखी गई थी जिसका नाम है राजनी राज राजनी कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई थी राज तरन गिनी जो बारहवीं सदी में ट्वेंटी सेंचुरी में ट्वेल्थ सॉरी ट्वेंटी नी सेंचुरी में लिखी गई थी वो पूरी मॉडर्न मॉडर्न हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है मतलब आज के जमाने में जो हिस्टोग्राफी लिखी जाती है उस तरीके से ये हिस्ट्री लिखी गई जो कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई जिसका नाम है राज तरंगिनी ठीक है ट्वेल्थ सेंचुरी में लिखी गई लेकिन ये आज के जमाने के हिसाब से लिखी गई थी कलहाना रोड दिस टेक्स आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्स लाइक इंस्क्रिप्शन कॉइन रिमेन ऑफ एशियन मॉन्यूमेंट्स डायनेस्टिक रिकॉर्ड एंड लोकल ट्रेडिशन ठीक है कौन है राइटर ये हिस्ट्री किसने लिखी राज ने किसने लिखी देखो ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकता है ये सब इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन ऐसा आएगा राजतरंगनी इज रिटर्न बाय डैश तो तुम्हें याद होना चाहिए कल्हाना ठीक है नाम मत याद करो ऑप्शन रहता है लेकिन राइट ऑप्शन तो तुम लोग समझ याद रख सकते हो ना कि कल्हाना ने राज तरंगनी लिखी है ठीक है तो ट्वेल्थ सेंचुरी में लिखी गई थी और ये मॉडर्न आज के जमाने में जो हिस्ट्री लिखी जाती है ना उस तरीके से क्योंकि लिखने वाला खुद कह रहा है कि मैंने ना क्रिटिकली एग्जामिन करके यानी अच्छी तरह से चेक करके क्रिटिकली मतलब डीपली एग्जामिनिंग चेक करना क्रॉस चेक करना एनालाइज करना ठीक है क्या क्या क्रॉस चेक किया इंस्क्रिप्शन वो जमाने के इंस्क्रिप्शन कॉइन्स और रिमेन ऑफ एशियन मॉन्यूमेंट्स पुराने मॉन्यूमेंट मॉन्यूमेंट्स मतलब जैसे ताजमहल एक मोन्यूमेंट है चार मीनार एक मोन्यूमेंट है मोन्यूमेंट समझा अभी ठीक है जो पौरा जो बोलते हैं ना जो एनसेस्टर ने जो बनाया ठीक है वैसी चीजों को कहते हैं मॉन्यूमेंट्स डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स डायनेस्टिक मतलब रूलर्स किंग लोग के रिकॉर्ड्स उनके जो रिकॉर्ड्स थे और लोकल ट्रेडिशन और वहां के लोगों का जो लोकल वहां पर जो लोकल ट्रेडिशन था ठीक है लोकल मतलब लोकल पब्लिक का ट्रेडिशन मतलब देखो जो चीज चलती रहती है उसको कहते हैं ट्रेडिशन ठीक है जैसे बीच में बड़े बाल का ट्रेडिशन था धोनी जैसे बाल रख रहे थे लोग ठीक है और अभी एक अलग ट्रेडिशन है तो ट्रेडिशन मतलब जो तरीके से लोग अपनी लाइफ गुजारते हैं ठीक है थीके? तो लोकल ट्रेडिशन एग्जाम्पल दिया मैंने ट्रेडिशन का प्रॉपर वर्ड ट्रेडिशन का है रिवाज प्रॉपर मीनिंग चाहिए तो ट्रेडिशन मतलब रसम तुमने वर्ड सुना होगा रस्मो रिवाज हमारे गांव की रसम है हमारे गांव की रिवाज है ठीक है रीति है रीति रिवाज तो री रीति का प्रॉपर इंग्लिश इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग है रीति रिवाज तो वो लोगों के जो रीति रिवाज थे जैसे शादी में लोग रीति रिवाज करते हैं ना हल्दी की रसम होती है मेहंदी होती है एक्सेट्रा 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 मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्ड का मीनिंग ठीक है तो ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज जैसे मैंने अभी बताया ना कल्चरल संस्कृति रिलीजियस धार्मिक पॉलिटिकल सियासती मतलब शासन इकोनॉमिक फाइनेंशियल लेन देन पैसा सोशल जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं सबके साथ मिलकर जो भी है उसको कहते हैं सोशल सोसाइटी ठीक है नेक्स्ट देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुमको हिंदी प्रॉपर हिंदी मीनिंग देने की ताकि तुम्हारे मन में डाउट ना रहे ये जो अभी तक कर रहे हैं इसमें अभी तक एक भी आंसर नहीं आया जो आंसर पार्ट आएगा वो मैं डबल से रिपीट करूंगा ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ जाए इन द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री द हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स वे इन्फ्लुंस बाय अरेबिक एंड पर्शियन देखो मिडाइवल पीरियड में मिडाइवल पीरियड में ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड मिडाइवल पीरियड मिडाइवल पीरियड मतलब आ, समझ लो कि नाइन टेंथ सेंचुरी के बाद ठीक है ट्वेंटी 20th सेंचुरी के ट्वेल्थ सेंचुरी के बाद ठीक है ड्यूरिंग मिडावल इंडियन द हिस्टोरियंस इन कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स इंडिया में उस वक्त किसका रूल था मुस्लिम रूलर्स नाम सुना होगा बाबर और औरंगजेब एक्सेट्रा ये सब मुस्लिम रूलर थे दे अराउंड उन्होंने का इंडिया में रूल अराउंड 600 साल रहा 600 400 600 साल तक इंडिया में रूल किए थे मुस्लिम रूलर्स ठीक है तो जो मिडाइवल इंडिया था उसको वो पीरियड वो को मिडाइव कहते हैं वहां पे मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट में ठीक है हिस्टोरियन किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए Arabic और पर्शियन लैंग्वेज से अरेबिक और पर्शियन ठीक है ये लैंग्वेज है दो टाइप की अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी से हिस्टोरियंस बहुत इंफ्लुंस्ड हुए प्रभावित हुए अमंग बरानी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन तारी फिरोज़ शाही अब रिटर्न हिम उसमें सबसे एक स्पेशल नाम आता है किसका जैनुद्दीन बरानी इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था तारीख ए फिरोज तारीख मतलब हिस्ट्री तारीख तारीख मींस हिस्ट्री आई ऑफ तारीख फिरोज शाही मतलब हिस्ट्री ऑफ फिरोज शाही बुक रिटर्न हिम उसने एक बुक लिखी थी ठीक थी है जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ फिरोज शाही वो स्टेटेड ही सॉरी ही हैज स्टेटेड द पर्पज ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और इसने हिस्टोरियोग्राफी का असली मकसद बताया पर्पज क्या है अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्टोरियन ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू रिकॉर्डिंग ऑफ रूलर्स वेलर्स एंड पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग एंड इन करेक्ट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू बरानी बरानी के हिसाब से हिस्टोरियन का काम सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है कि किसी रूलर किसी राजा के बोलते ना राजा की ब्रेवरी और उसकी अच्छाई के किस्से लिखे राजा ने जो अच्छे काम किए जो पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसीज़ वाले काम किए और जो हिम्मत वाले आ, काम किए सिर्फ वही सब मत लिखे बल्कि बल्कि ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग राजा के जो फेल जहाँ पे राजा ने गलतियाँ की जो उसकी गलत गलत पॉलिसीज थी जो राजा मतलब बोलते ना सिद्ध ना हो पाया वो सारी चीजें भी लिखना इसका काम है हिस्टोरियन का बरानी ने कहा कि हिस्टोरियन का काम यहां तक सीमित नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही लिखे सिर्फ वेलर मतलब करेज हिम्मत वाले काम ब्रेव ठीक है डेरिंग वाले काम तो सिर्फ रूलर की राजा के किंग के ब्रेवरी वाले किस्से लिखना या उनकी अच्छी पॉलिसी जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है वही सब सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि उसकी फेलिंग्स उसने जो गलतियां की जो जो पॉलिसी में वो फ्लॉप रहा जो उसने इनकरेक्ट पॉलिसीज लाई उसके बारे में भी लिखना चाहिए ठीक है से आगे वो और भी कह रहा है दैट हिस्टोरियन शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ वाइज लर्न एंड देंथ ऑन दी कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल वो कह रहा है हिस्टोरियन को सिर्फ राजाओं के बारे में भी सिर्फ राजाओं के बारे में लिखना ये सही नहीं है बल्कि जो इंटेलेक्चुअल लोग होशियार समझदार लोग जो नॉलेज जो वाले लोग नॉलेज वाले जो सिखाते दूसरों को ऐसे लोग जो संत महात्मा है वॉइस मतलब समझदार लोग संत महात्मा लोग ठीक है जो जानकारी लग, रखते हैं ऐसे लोगों के बारे में ऐसे लोगों के सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी लिखना चाहिए कल्चरल लाइफ ठीक है ये बरानी ने कहा बरानी ने कहा सिर्फ राजा की बोलते हैं ना तारीफ में और राजा की अच्छाइयां बताने वाली हिस्ट्री मत लिखो बल्कि उसकी गलतियां उसकी इनकरेक्शन उसकी लिखो और सिर्फ राजाओं के बारे में मत लिखो क्या वाइज जो जो उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल होशियार लोग थे और जो सीखे हुए जो जानकार लोग थे जो संत महात्मा थे उनके बारे में भी लिखो उनकी सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी लिखना चाहिए ठीक है और इस हिसाब से थर्स बरानी एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और इस तरीके से उसने हिस्टोरियोग्राफी के स्कोप को बढ़ाया मतलब उसको ब्रॉड किया ठीक है फॉर द हिस्टोरियंस इन मुगल कोर्ट प्रेजिंग द एम्पर एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयलिटी बिकम मोर इंपॉर्टेंट उस जमाने में क्या हो गया था ये मुगल राजाओं के दरबार में तारीफ करना राजा की तारीफ करना और अपनी वफादारी जताना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन गई थी उस जमाने में जो हिस्टोरियन थे मुगल कोर्ट में जो हिस्टोरियंस थे वो राजा की तारीफ में और उसको वफादारी दिखाने में उसको वफादारी दिखाने में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे ठीक है द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट एंड ब्यूटिफुल पिक्चर्स वे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस और हिस्ट्री लिखने में वो लोग क्या डालने लगे पोएटिक कोर्ट्स कविता की लाइन्स पोइटिक कविता या शेर व शायरी करने लगे और उसमें पिक्चर्स भी डालने लगे फोटोज वगैरह ठीक है नेक्स्ट बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंड टाइटल तुजू बाबरी देखो बाबर ने जो मुगल का फाउंडर था जो मुगल एम्पायर इंडिया में जो मुगल एम्पायर था उसका फाउंडर कौन था बाबर तो बाबर ने क्या लिखी है ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की जिंदगी के बारे में मैंने बताया ना बायोग्राफी मतलब राजा किसी राजा या किसी भी पुराने आदमी की लाइफ एक आदमी की लाइफ के बारे में इसने खुद अपनी लिखी थी इसके लिए इसको लिखा है ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में एंड टाइटल टूजू की बाबरी उसकी बुक का नाम क्या है तुजु के बाबरी बाबरी मतलब जो भी लाइफ ऑफ ठीक है इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल फॉर्ड हिम और उसमें उसने क्या बताया है जो उसने जंगे लड़ी जो उसने बैटल्स फाइट किए उसके बारे में लिखा है बाबर आल्सो रिकॉर्डेड इट माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन एंड सिटीज ट्रेवल्ड by हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमिक कस्टम एंड फ्लोरा ठीक है और उसने अपनी ये जो बुक है हिस्ट्री उसमें क्या क्या लिखा है माइन्यूट मतलब उसने जो जो जहां जहां वो गया जो जो जगह पर और जो जो शहर में गया तो उसमें जहां भी उसने ट्रेवल किया उसके बारे में भी छोटी छोटी सब बारीक बारीक चीजें भी लिखी है जो भी एरिया जो भी जगह पर जो भी शहरों में वो गया उसके बारे में माइन्यूट छोटी छोटी चीजें भी वहां के वहां की इकोनॉमी के बारे में लिखा है इकोनॉमी मैंने इकोनॉमी बताया वहां पर पब्लिक पैसे पैसे का लेन देन कैसा होता है लोग कैसे वहां पर मतलब लेन देन करते हैं और जो भी इकोनॉमी इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड कस्टम वहां के लोगों का रीति रिवाज फ्लोरा फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे वहां पे जो पेड़ है पौधे हैं घास है उसके बारे में ठीक है तो ये देखो थ्री पॉइंट वन लिखा हो मतलब ये एक आंसर है तुम पीछे क्वेश्चन देखोगे थर्ड मेन क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन बाबर के बारे में बारे में खुद की लाइफ के बारे में बायोग्राफी लिखी है इसके लिए ऑटोबायोग्राफी उसकी उसने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका नाम है तुजू के बाबरी ठीक है उसमें उसने डिस्क्राइब किया है जो जो जंगे उसने लड़ी उसके बारे में ठीक है और और जहां जहां वो ट्रेवल किया है उसके बारे में उसने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन लिखा है वो शहर के बारे में ठीक है और वहां की यहां तक कि उसने अपनी ये बुक में वहां की लोकल इकोनॉमी क्या है कस्टम क्या है फ्लोरा क्या है लोकल इकोनॉमी मतलब वहां के लोग लेन देन कैसा करते हैं ठीक है और कस्टम रीति रिवाज फ्लोरा मतलब प्लांट फ्लोरा मतलब ग्रीन ग्रीन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब पेड़ पौधे घास वास सब आ गया इसमें ठीक है उसके बारे में अपनी इसने बुक में लिखा है क्या नाम है बुक का तुजु की बाबरी जहां भी वो गया जो भी रीजन में गया ठीक है थीके? वहां के बारे में भी लिखा है नेक्स्ट अबू फजल इकबारनामा सॉरी अबू फजल अकबरनामा ये हिंदी वर्ड है ना इसके लिए देखो सिंगल इन्वर्टेड में दिया है इंग्लिश वर्ड नहीं है नॉन इंग्लिश वर्ड है इसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाला है तो रीड करने थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अब्दुल फजल्स अकबरनामा ठीक है फजल मतलब अब्दुल फजल का अकबरनामा अकबरनामा देखो न्यूज़पेपर को अखबार कहते हैं उर्दू में न्यूज़पेपर को अखबार कहते हैं अखबार तो ये अकबरनामा ठीक है इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी अब्दुल फजल का जो अकबरनामा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्स मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उसका जो तरीका था ठीक है सिर्फ भरोसे वाले हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे भर, लिखता था वो वो सिर्फ जमा करता था ऐसे डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिक हो ऑथेंटिक मतलब ट्रस्ट ट्रस्ट वी मतलब है एंड एंड देर स्क्रूटिनिटी इज लुकड अपॉन एज डिवॉइड ऑफ बायस एंड एनस रियलिस्टिक स्क्रूटिनिटी मतलब एक तो वो ऑथेंटिक बहुत भरोसे वाले डॉक्यूमेंट लेता उसको भी अच्छे से एनालाइज करता एनालाइज मतलब चेक करता

मतलब उसमें कोई नाइंसाफी इंसाफी वाली बातें तो नहीं है कुछ गलत तो नहीं है और फिर उसको रियलिस्टिक मानता ठीक है फिर उस पर विश्वास करके वो लिखता कौन किसके बारे में अब्दुल अब्दुल फजल नामा देखो पीछे वापस टर्न करना पड़ेगा अबुल सॉरी अबुल फजल अकबरनामा इसने जो अबुल फजल ने जो हिस्ट्री लिखी है जिसका नाम है अखबारनामा उसमें वो ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को लेता ठीक है और एग्जामिन डाउट को नहीं है डिवॉइड मतलब free, free of, free of bias मतलब जिसमें कोई नहीं है, है ठीक ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेता और एकदम रियल हो और राइट नेक्स्ट बखार बखार इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बखार क्या है नेक्स्ट इज बखार बखार इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडाइबल टाइम बखार क्या है मिडाइवल टाइम का एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ठीक है इट कंटेन्स योलॉजीज ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हीरोइक इवेंट बैटल लाइफ ऑफ ग्रेट मैन देखो ये भी कोई आंसर है टू पॉइंट टू मैंने यहां लिखा है मतलब ये मेन क्वेश्चन टू का सेकेंड आंसर है क्या है टॉपिक बखार तो बखार असल में क्या है एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मिडाइवल टाइम का वही मुगल रूल का उसमें इट कंटेन्स योलॉजिस्ट योलॉजिस्ट मतलब तारीफे प्रेजिंग स्टोरीज मैंने यहां प्रेज लिखा है लेकिन वो असल में क्या है तारीफे वाली कहानियां तारीफों वाली कहानियां तो ईलॉजीरो हिस्टोरिक इवेंट ठीक है जो भी वो टाइम पे हीरोज लोग थे हीरो मतलब बॉलीवुड के हीरो हीरोज मतलब वहां पे जो ब्रेव काम किए, उनको हीरो कहा जाता था ठीक है उनकी कहानियों के बारे में स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट और कहानियां हिस्टोरिक इवेंट की बैटल्स जो जंगे लड़ी गई उसके बारे में लाइफ ऑफ ग्रेट मैन और महान लोगों की जिंदगी के बारे में जो लिखा गया उसे कहते हैं बखार ठीक है तो आंसर में होगा ये अब इसमें ये आगे और ध्यान से देखो ये भी कंटिन्यू है मराठी बखार मराठी बखार्स आर ऑफ वेरियस टाइप इसमें जो मराठी बखार है मराठी में लिखा गया है उस वो बहुत सारे टाइप के जिसमें एक है सबासद ब वॉज रिटर्न बाय कृष्णा जी आनंद सबासद ड्यूरिंग द रीजम ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज इसमें एक मराठी बखार है ठीक है मराठी बकार मराठी बखार बहुत सारे टाइप के जिसमें एक है सबासद किसने लिखे है बकार? कृष्णा जी आनंद सबासद ठीक है ड्यूरिंग द रीजन कौन से रीजन में ये थे छत्रपति राजा राम महाराज के टाइम पे ठीक है इट इज एन इंपॉर्टेंट बखार फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज और ये बहुत इंपॉर्टेंट बखार है जिसमें जो इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और राइट नेक्स्ट बाहू साहबांची बखार देखो ये जो बखार है ना उसमें सब में से तुम्हें थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऐड करना है ठीक है क्योंकि दूसरी बखार के बारे में है कौन सी बखार है ये बाऊ साहेबांची बखार डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत बाऊ साहेबांची बखार में किसके बारे में लिखा गया है बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सेम इवेंट ठीक है एक और बखार लिखी गई है वो भी पानी पतार एक और बखार है जिसका नाम है पानीपत बखार इवेंट सेम है दोनों ने एक ही टॉपिक पे लिखे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लेकिन एक बखार का नाम है भाबांची बखार और दूसरी का नाम है पानीपतांची बखार टॉपिक सेम है दोनों में ठीक है इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट होलकरांची काइपियाट काइपियाट प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन अबाउट दी होलकर एंड दिया कंट्रीब्यूशन टू मराठा रूल फिर होलकर आंची काइपियाट होलकर ये फिर से एक बुक का नाम है यानी बकार है मराठी बकार है जिसका नाम है होलकर आंची ये किसके बारे में इनफॉरमेशन देती है होलकर्स के बारे में ठीक है और उन लोगों ने मराठास को कैसे होलकर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके बारे में ऑल होलकर एक समाज के एक सामाजिक लोगों का नाम मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है ठीक है जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पाए जाते हैं बखार कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस टाइप सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग देखो बखार अलग अलग टाइप की हो सकती है जैसे बायोग्राफी ऑफ राजा की जिंदगी के बारे में हो सकती है बायोग्राफी ऑफ किंग डायनेस्टिक हिस्ट्री डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब राजाओं की हिस्ट्री के बारे में हो सकती है बखार डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट कोई भी इवेंट इवेंट मतलब ओकेशन जैसे बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो उसका डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री ऑफ सेक्शन हिस्ट्री ऑफ सेक्ट मतलब सेक्शन यानी सोसाइटी में जो सेक्शन है ना उनकी हिस्ट्री हो सकती है ठीक है ऑटोबायोग्राफीज भी हो सकती है बखार में मतलब खुद से लिखी हुई अपनी अपनी लाइफ की कहानी रिगार्डिंग ग्रीवियंस और बखार ग्रीवियंस के हिसाब से भी हो सकती है ग्रीवियंस मतलब शिकायत कंप्लेंट ठीक है बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज फिर जो धार्मिक कहानियों पर भी बखार हो सकती है एंड स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग और राजा ने अपने स्टेट को कैसे रूल किया इसके ऊपर भी बखार हो सकती है ठीक है तो यहां पे ये यह बखार पे आंसर है टू पॉइंट टू इसमें से अभी इतना पूरा मार्क्स फोर मार्क्स फो के लिए आता है तो पूरा लिखो वरना हर एक हर एक में से एक एक पॉइंट तुम लोग सिलेक्ट करके आंसर फॉर्म कर सकते हो ठीक है और इतना तो टेंथ के बच्चे को आना चाहिए नेक्स्ट हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड इन ट्वेंटी सेंचुरी द इंडियन आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड एंड रिसर्च स्टार्ट अंडर द ब्रिटिश रूल ट्वेंटी सेंचुरी में बीसवीं सदी में मतलब नाइनटीन हंड्रेड एंड समथिंग में ठीक है ब्रिटिश रूल के अंडर में आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ रिसर्च स्टार्ट हुआ मतलब एक्सप्लोरेशन मतलब डीप स्टडी ऑफ एनी प्लेस किसी जगह के बारे में पढ़ाई करना वहाँ के मतलब वहाँ पर जाकर उसको समझना तो वहाँ की एक्सप्लोरेशन और रिसर्च एक्सप्लोरेशन रिसर्च की तरह ही होता है ठीक है स्टार्ट हुआ और उसके लिए वो लोग ने एग्जवेशन किया अंडर अ नंबर ऑफ एंशियन साइट्स वे एग्जर्वेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर एलेक्जेंडर कनिंगम ठीक है कनिंगम तो बोल रहे ब्रिटिश के रूल के अंडर जो ट्वेंटी सेंचुरी में अंडर ब्रिटिश रूल बहुत जगहों पर एक्सप्लोर किया गया मतलब जांच पड़ताल की गई और बहुत सारी बहुत सारी खुदाई हुई जो एंशंट साइट्स थी पुराने जमानों की पुराने ज़माने के जहाँ पे जो पुराने ज़माने के चीज़ें मिल सके उसको एग्जावेट किया गया एग्जावेट मतलब खुदाई करके पुरानी जम, पुरानी चीज़ों को पुराने जमाने की चीज़ों को खोजना कौन किसके अंडर में ये काम चल रहा था किसके सुपरविजन में काम चल रहा था सर द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द दर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये पहला डायरेक्टर जनरल था इंडिया के आर्कोलॉजिकल सर्वे का ठीक है ही चूज मेनली द साइट द बुद्धिस्ट फॉर दिस पर्पज और इसने कौन सी साइट चूज किया मतलब कहां काम करना है कहां एग्जर्वेट करना है एग्जर्वेट जो खुदाई करने के लिए कौन सी जगह चुना जो बुद्धिस्ट टेक्स में लिखी गई थी जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखी गई थी ऐसी जगह को चुना ठीक है हरप्पन सिविलाइजेशन वॉर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टैनर ऑफ सर जॉन मार्शल और हरपन सिविलाइजेशन किसके अंडर में खोजा गया सर जॉन मार्शल के अंडर में ठीक है बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरीज द एंटीक्टी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस टू थर्ड मिलीनियम बी सी और इवन अर्लियर और इसकी वजह से इंडिया की हिस्ट्री एकदम अलग से अलग से इंडिया की हिस्ट्री कर, कितनी पुरानी खोजी गई थर्ड मिलीनियम बी इतनी पुरानी इंडियन हिस्ट्री खोजी गई और राइट नेक्स्ट देखो दोनों का फोटो दिया है यहां पर अलेक्सेंडर कनिंगम का भी और जॉन मार्शल का भी ठीक है मेनी मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया अबाउट सॉरी रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री दे आर राइटिंग डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द दॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश बहुत सारे ब्रिटिशर्स लोग ने हिस्टोरियन ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा लेकिन उनका जो लिखा हुआ था वो हिस्ट्री ब्रिटिश की पॉलिसी पे प्रभावित था मतलब उसमें इंडियन कल्चर और इंडियन लोगों के बारे में कुछ खास लिखा हुआ नहीं था खाली ब्रिटिशर्स ने क्या क्या कारनामे किए इंडिया में उनके बारे में लिखा हुआ था आई होप समझ रहा है ठीक है थ्री वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश इंडिया रिटर्न बाय जेम्स मिल्स पब्लिश इन एटीन दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटर्न बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन ठीक है ब्रिटिश हिस्टोरियन की पहली बुक जो इंडिया के बारे में लिखी गई थी ठीक है देखो इंडियन हिस्ट्री में ना जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अच्छा अच्छा काम किया उसके बारे में पहले लिखा गया था इंडियन लोगों का उसमें कोई रोल इंडियन कल्चर की इंडियन संस्कृति के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था मतलब ये जितनी भी हिस्ट्री थी वो ब्रिटिश कोलोनियल, कोलोनियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश में इंफ्लुएंस उससे प्रभावित थी ठीक है समझ रहे हैं मतलब वन साइड हिस्ट्री लिखी गई थी यानी अपनी बड़ाई अपनी तारीफ ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखी थी सबसे पहले जो इंडियन पे हिस्ट्री लिखी गई थी किसने लिखी थी जो जेम्स मिल ने ठीक है जो 1817 में पब्लिश हुई छपी ठीक है और उसमें भी ये पहली बुक थी जो इंडियन हिस्ट्री पे आई थी इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एबसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रीजुडाइज अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर देखो इसमें एक चीज क्लियर थी क्या इंडियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं था एबसेंट था ठीक है और इसमें इंडियन सोच के बारे में कुछ नहीं था ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव मतलब इंडिया की जो एटीट्यूड है इंडियन इंडिया के लोगों का या इंडियन का जो सोच है वो इसमें कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा था ठीक है और ये एक नाइंसाफी वाली प्रीजुडाइज मतलब गलत तरीके से बताने वाली ट्रस्टलेस जिसपे भरोसा नहीं कर सकते ऐसी इंडियन हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री लिखी गई थी इंडियन कल्चर के बारे में यानी सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं जो पहली बुक जो जेम्स मिल्स ने लिखी थी इंडियन हिस्ट्री के बारे में उसमें इंडियन कल्चर को गलत बताया गया था मतलब गलत तरीके से शो रिप्रेजेंट किया गया था ठीक है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिटर्न बाय मॉन्स्टोट एल्फिस्टन गवर्नर ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई वॉज पब्लिश इन एटीन और एक और ने मुंबई का जो था गवर्नर जिसका नाम है मॉन्स्टॉट ठीक है एल्फिस्टन इसने भी हिस्ट्री लिखी थी मुंबई के बारे में ये मुंबई का गवर्नर था और इसने भी इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी वो पब्लिश हुई थी 1841 फोर्टी वन द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में किसका किसका पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है किसका यार मराठा मराठा एम्पायर के बारे में जो मराठा एम्पायर के बारे में हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है

ठीक है अच्छा इसने अपनी बुक में यह भी लिखा है कि ब्रिटिश लोग की आदत इसने अपनी बुक में ब्रिटिश की आदत जो इंडियन कल्चर को गलत बताते हैं इसके बारे में भी लिखा है ग्रैंड ने लिखा है कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस ने अपनी राइटिंग में इंडियन कल्चर को कंडेम किया मतलब गलत बताया ठीक है लो क्वालिटी का बताया मतलब इंडियन इंडियन कल्चर का वैल्यू गिरा के बताया ठीक है एन हिस्ट्री सिमिलर टेंडेंसी इज विटनेस इन कॉलोनल टॉड्स राइटिंग अबाउट राजस्थान ठीक है हिस्ट्री और राजस्थान की एक हिस्ट्री लिखी है किसने लिखी है कॉलोनल टॉर्ड्स ने उसके अंदर भी यही चीज यही टेंडेंसी नजर आती है यही इंक्लिनेशन मतलब टेंडेंसी यही आदत नजर आती है क्या आदत के इन्फीरियर समझना छोटा समझना कम वैल्यू वाला समझना इन लोग इंडियन कल्चर को वैल्यू नहीं देते थे अपनी हिस्ट्री में ये ग्रैंड ने लिख कर दिया ग्रैंड डफ ने अपनी बुक में यह लिखा है कि ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन ने इंडियन कल्चर को कंडेम किया इंडियन हिस्ट्री को कंडेम किया और सेम यही काम कोलोनल टॉर्ड ने भी राजस्थान के बारे में किया था मतलब उसकी भी आदत उसकी भी टेंडेंसी यही थी कि वो इंडियन हिस्ट्री को गलत कम लेवल का लो लेवल का बता रहा था ठीक है द टू वॉल्यूम रिटर्न बाय विलियम सॉरी द टू वॉल्यूम रिटर्न बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो सम इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट फिर उसके बाद ये जो हिस्ट्री लिखी है विलियम विल्सन हंटर ने इसने अपनी हिस्ट्री में बताया है कि के इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया गया हिस्ट्री लिखते वक्त इंडिया को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला गया मतलब इम्पासबलिटी की गई बोलते ना एक तरफा लिखा अपनी तारीफ में लिखा और इंडियन लोगों को इंडियन हिस्ट्री को कम लो लेवल बताया ये इसने बताया किसने विलियम विल्सन हंटर ने अपनी इंडियन हिस्ट्री जब लिखी उसमें उसने ये बताया कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया गया है मतलब इम्पासिटी की गई यानी इनजस्टिस हुआ है नीलकंठ जोनार्दन कीर्तन एंड विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े वे टू इंडियन हिस्टोरियंस हु टूक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशन ऑफ ग्रैंड राइटिंग देखो दो नाम है नीलकंठ जोनार्दन कीर्तन और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े ठीक है ये दोनों ने बीड़ा उठाया ये दोनों ने टास्क लिया यानी हिम्मत दिखाई कि हम लोग ग्रैंड डफ को एक्सपोज करेंगे हम लोग ग्रैंड डफ ने जो लिखा है ना जो जो इंसाफी ना इंसाफी की जो गलत लिखा है जो वन साइड लिखा है उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे यानी दुनिया को बताएंगे इन्होंने इसका टास्क लिया यानी बीड़ा उठाया आई होप समझ रहा है बाई दिस आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो गया यहां से 2.2 स्टार्ट हो रहा है तो so, इसको मैं सेपरेट वीडियो में बना रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है ठीक है अभी तक हमने दो या तीन आंसर इसमें कवर किए इसमें दो या तीन टेक्सुअल आंसर कवर किए देखो मैं सोच रहा था चैप्टर में सिर्फ टेक्सुअल आंसर पढ़ाऊँ मतलब जो आंसर है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वो पढ़ाऊँ लेकिन फिर कुछ लोग सोचेंगे सर शॉर्टकट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स तो हम लोग का कवर नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक से आ सकता है ब्लैंक्स मैच द कॉलम कोरिलेशन तो इसके लिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूं हूँ देखो आगे का और आंसर आएगा सिक्स पॉइंट वन ठीक है तो ये नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं अब तक का वीडियो समझा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और शेयर करो विथ ऑल योर टेंथ स्टैंडर्ड फ्रेंड्स ऑल राइट right, थैंक यू